और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस हादसे की एसआईटी जांच पर बसपा प्रमुख मायावती ने अब सवाल उठा दिए हैं। हाथरस हादसा सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। एसआईटी रिपोर्ट राजनीति से ज्यादा प्रेरित दिखाई देती है। अति दुखद है ये। भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की जांच में बिल्कुल खामोशी है और यही चिंता का कारण है। बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो कल जब एसआईटी की रिपोर्ट शासन के सामने रखी गई थी तब ये बड़ा मामला सामने आया था निकलकर। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कह रही थी कि एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा का नाम क्यों नहीं है। और अब एसआईटी जांच पर बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल उठा दिए हैं। हाथरस हादसा सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। मायावती ने एक्स के जरिए ट्वीट किया है, एसआईटी रिपोर्ट राजनीति से ज्यादा प्रेरित दिखाई देती है जो अति दुखद है। भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी में खामोशी है और ये चिंता का कारण है। बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है, ये चर्चा का विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। तो प्रशासन पर, बाबा पर और सरकार पर, तीनों पर मायावती ने जबरदस्त हमला किया है। बाबा को क्लीन चिट देने पे एसआईटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि बाबा को कैसे आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई। प्रशासन की साफ तौर से यहां पर लापरवाही दिखाई दे रही है। से 6 अधिकारियों को निलंबित कर देना ही इस पर इतिश्री लगाना नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।